नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ एक नई जानकारी को लेकर के, और आजकल हमारी चर्चा चल रही है देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन को लेकर के। जी हाँ, 5 नवंबर प्रातः 5:16 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति लगभग 13 माह तक एक राशि में संचरण करते हैं, बीच में वक्र अथवा मार्गीय अवस्था में होते हैं, लेकिन लगभग 13 माह तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि में संचरण करते हैं। और चूंकि हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होने के नाते देवगुरु बृहस्पति एक सौम्यता, शिक्षित, कर्मनिष्ठ और शांति प्रदाता ग्रह होते हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से सदैव शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो सदैव शुभ रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैताचार्य शुक्रदेव महाराज। बृहस्पति ज्ञान का अथाह भंडार है। बृहस्पति सौम्यता देने वाला ग्रह है और विवेक का नाम बृहस्पति है। तो यह 5 नवंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और इस राशि परिवर्तन से, इस ब्रह्मांडीय शक्ति के परिवर्तन से संपूर्ण ब्रह्मांड पर, बल्कि पृथ्वी पर ही नहीं आम जनजीवन पर इसका प्रभाव आप साफ रूप से देख सकते हैं। हमने कल मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए बताया कि कैसे रहेगा आपके लिए बृहस्पति का यह चेंजिंग मोमेंट, और आज हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में। क्या देगा बृहस्पति मिथुन व कर्क राशि के जातकों के लिए, अथवा यह कहां पर आपके लिए स्थित होने वाला है। मैंने कल भी बोला कि यह जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का फल है, यह लग्न और चंद्र दोनों से आप देख सकते हैं, चंद्र कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं और लग्न कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन यह जो परिवर्तन होता है यह चंद्र कुंडली के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छा आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अभी तक देवगुरु बृहस्पति 6 स्थान में विराजमान थे और अब वह 5 नवंबर के बाद 6 स्थान से 7 स्थान में आपके लिए जाने वाले हैं। मिथुन राशि के जातक, जहां एक तरफ वहां पर शनि और केतु स्थित हैं, अपने वैवाहिक जीवन और व्यवहारिक जीवन इनसे कुछ दिनों से परेशान से हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति का वहां पर जाना आपके लिए आप द्वार खोलने वाले हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विशेषतः पुरुष वर्ग के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह स्थान वैवाहिक जीवन से रिलेटेड होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कहीं थोड़ी बहुत शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। मिथुन राशि के लिए आप जातक हैं और आप व्यापार में काफ़ी टाइम से मंदी के शिकार हैं, तो आप थोड़ा बहुत आपको उभरने का एक समय आ गया है। बहुत अत्यधिक प्रभाव तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग अवश्य मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में, मुख्यतः व्यापार वर्ग में। वहीं जो युवा जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए एक अच्छा संदेश है, अब आपका विवाह अवश्य होगा यदि आप ईशान और उत्तर की तरफ अपने विवाह के रिश्ते करने के लिए आप प्रयत्न करें, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट बन रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपके लिए
विवाह का योग बन चुका है, तो आप प्रयत्न करें और ईशान और उत्तर की ओर यदि आप जाएं तो आपको वहां सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि के लिए अभी तक बहुत ही अच्छी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति थे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पंचम स्थान में थे, लेकिन अब वो छठे स्थान में जाएंगे और धनुराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे। वहाँ पर शनि और केतु विराजमान है। शनि तो कुछ समय के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन केतु यहाँ पर स्थित रहने वाले हैं। वहीं इस राशि परिवर्तन से कर्क राशि के जातकों के लिए आपके आय में थोड़ा बहुत कमी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही शत्रु भय जो अभी आप तक अभी आपके मन में था वह कुछ हद तक कम होगा, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और गृह घर में क्लेश का वातावरण बने तो इससे आपको तुरंत निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ननिहाल पक्ष की तरफ से भी कुछ अशुभ संकेत आपको, अशुभ समाचार आपको मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप ननिहाल में रहते हैं तो आपको यह प्रयत्न करना चाहिए कि आप अत्यधिक बोलचाल और जिसे हम वाक्पटु कह सकते हैं, अत्यधिक वाक्पटुता से आपको बचना चाहिए। आपके अपनी वाणी से आप खुद तकलीफ हो सकती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी देवगुरु बृहस्पति की। तो मित्रों, यह मिथुन और कर्क राशि का देवगुरु राशि बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन का फलाफल था। यह एक चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया हुआ फलाफल था। यदि आप बृहद रूप से विश्लेषण चाहते हैं तो आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि आप इस राशि परिवर्तन से कुछ नकारात्मकता महसूस करते हैं तो आपको तुरंत किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार। साथ ही आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें।